दोस्तों, भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर बुधवार से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वी लद्दाख में चीन और सीमावर्ती क्षेत्र में विकसित समुद्री सुरक्षा वास्तुकला पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। कॉन्क्लेव का एक प्रमुख फोकस भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता के साथ साथ भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के सुरक्षा हितों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करना होगा। जहां चीन तेजी से अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है, उन्होंने कहा, भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा, सम्मेलन हमारी उत्तरी सीमाओं पर हाल ही घटनाओं की पृष्ठभूमि में अधिक महत्व रखता है, जो COVID-19 द्वारा पेश की गई अभूतपूर्व चुनौती से जुड़ा है। नौसेना के कमांडरों ने दक्षता में सुधार के लिए नौसेना के भीतर त्रिसेवाओं के तालमेल के साथ साथ कार्यात्मक पुनर्गठन सुनिश्चित करने पर भी विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा, सम्मेलन को जोड़ने से इंडो पैसिफिक में बड़ी सुरक्षा अनिवार्यताओं पर भी चर्चा होगी। नौसेना ने कहा कि सम्मेलन उच्च नौसैनिक नेतृत्व को महामारी के परिणाम स्वरूप होने वाले नए सामान्य के दायरे में संपत्ति के संचालन, निर्वाह और रखरखाव, खरीद मुद्दों, बुनियादी ढांचे के विकास और मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। कमांडर इन चीफ के साथ नौसेना स्टाफ, प्रमुख परिचालन मटेरियल, लॉजिस्टिक्स, मानव संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे, जो वर्ष के दौरान किए गए हैं, और भविष्य में संचालित होने वाले पाठ्यक्रम पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। ये सैन्य मामलों के विभाग DMA और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद के सृजन के बाद से पहला नौसेना कमांडर का सम्मेलन है। नौसेना ने कहा, सम्मेलन भारतीय नौसेना के भीतर कार्यात्मक पूर्ण गठन दक्षता में सुधार के लिए संयुक्त योजना संरचनाओं, त्रिसेवा तालमेल और परिचालन तत्परता को अनुकूलित करने के तरीकों पर चर्चा करेगा। अधिकारियों ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान सहित देश की सभी संभावित चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। सम्मेलन में लंबाई पर विचार विमर्श किया जाएगा। हिंद महासागर भारतीय नौसेना का माना जाता है, भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति बढ़ रही है। चीन ने दक्षिणी पाकिस्तान में गहरे समुद्र में वाडर पोर्ट और अफ्रीका के हॉर्न में जिबूटी में एक नौसेना बेस का निर्माण किया है। पिछले कुछ हफ्तों में नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी तैनाती का काफी विस्तार किया है, जिससे पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ गलवान घाटी टकराव के बाद युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के ढेर का सामना करना पड़ा, जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान मारे गए थे। चीनी पक्ष को भी हताहत का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी तक इसका विवरण नहीं दिया गया है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी पक्ष पर हताहत की संख्या 35 थी। वर्षों से भारतीय नौसेना का ध्यान लड़ाकू दक्षता बढ़ाने और परिचालन तत्परता में सुधार लाने पर है, और इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण, निरंतर प्रशिक्षण और चेकअप और चालक दल की दक्षता पर संतुलन के साथ साथ युद्ध पोतों की भी समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।